बना रही हूँ? क्या बना रही हो? खाना बना रही हूँ बेटा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मम्मी बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। लेकिन ना आज मुझे ना एक सर से बात पूछना था, झगड़े को लेकर के बात हो रही थी। मैं जानना चाहता हूँ कि इतने सारे झगड़े होते, एक देश दूसरे देश से झगड़ा कर रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य से झगड़ा कर रहा है, एक जाति दूसरे जाति से झगड़ा कर रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से, एक टीचर दूसरे टीचर से, एक सास दूसरी सास से, एक सास बहू से। लेकिन ये झगड़े क्यों होते हैं, ये मुझे जानना है। इतनी सी बात क्या बता बेटा तुमको? पूरे देश में जो झगड़े हैं ना, वो पैसे की वजह से होते हैं। अच्छा, पैसे की वजह से है। वो झगड़े की सबसे बड़ी जड़ है। देखो तुम्हारे पापा छुट्टी है, आराम से पेपर पढ़ रहे हैं, कोई काम धाम नहीं करते, सुबह से लगे हुए हैं। कितना सारा काम है, देखो कैसे फैल के बैठे हुए हैं। जा उनसे पूछो कि होते मम्मी तो बहुत काम करते हैं अपने घर में। एक दिन का छुट्टी मिलता है तो ताना खोलते रहते हैं, साथी से लाने भी नहीं देते हैं। ये तो माँ बेटा है ना, पापा पापा जाने में अच्छा है। पापा मम्मी बोल रहे हैं कि पैसे की वजह से झगड़े होते हैं, आपको क्या लगता है पापा? यार छुट्टी के दिन ही परेशान करते रहते हैं। दादाजी प्लीज बताओ ना, बताओ आपकी काम करो। मम्मी खाना बना रही है तो आपको पापा से पूछो, तो वो फालतू बैठे हैं। अपना साथ से पूछो, वो आज फ्री है, मेरे को भी बाजार मंदिर जाना है। ये भी पढ़े रहते हैं। पापा पापा बताइए ना, झगड़े क्यों होते हैं? मम्मी बता रही है, बता रहा अच्छा बता। तुमको पढ़ाने देते हैं कि ये सब क्या उजर बुजर सीखने आते हो? कौन सिखाता है सब? नहीं बेटा, पैसा बहुत